मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन और भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने भोपाल के मतगणना स्थल पुरानी जेल का निरीक्षण किया। यहीं स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं, जहां इनकी सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन और भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने भोपाल में मतगणना स्थल का जायजा लिया। अनुपम राजन ने बताया कि आगामी 3 तारीख को मतगणना होनी है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने रायसेन और विदिशा के स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया। भोपाल के स्ट्रांग रूम का उन्होंने निरीक्षण कर बताया कि सभी व्यवस्थाएं ठीक हैं। हर विधानसभा सीट की काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाए जाएंगे। इन टेबल पर काउंटिंग एजेंट, कैंडिडेट, काउंटिंग एजेंट की टीम होती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश पर सेंट्रल फोर्स और सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं और ये सभी स्ट्रांग रूम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। सभी राज्य के सभी जिलों में स्ट्रांग रूम में पोल ईवीएम रखी हुई हैं। मतगणना स्थल की तैयारियां चल रही हैं। 3 तारीख को काउंटिंग है, उसी सिलसिले में हम लोग देख रहे हैं। कल मैं रायसेन और विदिशा का स्ट्रांग रूम देखा और काउंटिंग सेंटर देखा, आज भी भोपाल का देखा। व्यवस्थाएँ ठीक हैं, सेंट्रल फोर्सेज लगी हुई हैं, लॉग बुक मेंटेन हो रही है और जो काउंटिंग हॉल्स हैं उनमें अभी व्यवस्था चल रही है, काम चल रहा है। हर जो विधानसभा की काउंटिंग होती है उसमें 14 टेबलें होती हैं और उन 14 टेबल पे जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं वो भी वहाँ होते हैं, कैंडिडेट भी होते हैं, उनके इलेक्शन एजेंट होते हैं और काउंटिंग टीम होती है। तो पूरी तैयारी चल रही है और हम लोग सभी जगह पूरे राज्य में सभी जिला मुख्यालयों पर स्ट्रांग रूम पूर्णतः सुरक्षित हैं और आयोग के जो निर्देश हैं कि वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेज हों, सीसीटीवी लगी हो, सीसीटीवी स्क्रीन पे स्ट्रांग रूम का जो गेट है वो दिख रहा हो। यहाँ भी मैंने देखा कैंडिडेट के जो प्रतिनिधि हैं या पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो भी बैठे हैं अपनी जगह पे, उनके सामने स्क्रीन लगी है, कई सारे कैमरों के माध्यम से उनको स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा ताला दिख रहा है। उनसे भी चर्चा हुई, उन्होंने भी संतुष्टि जताई और ये काम बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद है भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह जी, आई हम बात करते हैं। सर, बार रूम की आप निरीक्षण करने पहुँचे हैं। देखिए, स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर जहाँ पर ईवीएम रखी हैं, जो ब्लॉक लगा हुआ है, सील लगी हुई है, उसके ठीक बाहर सारे कैंडिडेट्स के एजेंट्स और उनके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और सभी लोग व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। उनको न केवल सामने ताला दिख रहा है बल्कि स्क्रीन भी उनको दिखाई पड़ रही है। इसके साथ साथ जहाँ पर भी जिन हॉल्स में मतगणना होनी है उनका भी निरीक्षण किया गया है। सारी व्यवस्थाएँ 2 दिन के अंदर कम्प्लीट हो जाएंगी। सर, कितने टेबल लगाए गए हैं और कितने कर्मचारी मौजूद है? 7 अलग अलग विधानसभाओं के 7 हॉल हैं और सभी में काउंटिंग के लिए 14-14 टेबल ईवीएम की काउंटिंग के लिए लगी हैं। इसके अलावा पोस्टल बैलेट जहां पर ज़्यादा है वहां पर 4 टेबल और जहां पर कम है वहां 2 टेबल हमारी पोस्टल बैलेट के लिए रहेंगे। सर, कितने कर्मचारी? टोटल 600 कर्मचारी हैं जिनको कल से ट्रेनिंग हम लोग प्रारंभ करेंगे और फिर ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में उनका रेंडमाइजेशन किया जाएगा। सर, कल पीयूसी की भी जाँच की गई है? जी हाँ, अभी जो AQI का स्तर बढ़ा है उसके लिए अलग अलग दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी में हम लोग PUC के ऊपर फोकस कर रहे हैं, खासतौर पर जो कॉमर्शियल वाहन है पहले उनके ऊपर कार्रवाई होगी, प्राइवेट वाहनों के लिए अभी हम लोग समय दे रहे हैं। सर, चिमनियों पर भी कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अगर ओपन जो भट्टियाँ हैं उनके ऊपर कार्रवाई है, अगर कहीं चिमनी लगी हुई है, अगर साइंटिफिक ढंग से उसका डिस्पोजल हो रहा है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये थे हमारे साथ भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह जी, जिनका कहना है कि चिमनियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।